नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एलईडी बल्ब रिपेयर करना बताएंगे जिसमें आपका कोई खर्चा नहीं लगेगा। जी हाँ, आपने सही सुना है, जिसमें आपका कोई खर्चा नहीं आएगा। फ्री में आप एलईडी बल्ब को एक रुपए का भी सामान ना लगा करके आप उसे सही कर सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। ये मैंने कुछ बल्ब हैं एलईडी जो कि ओपन कर लिए हैं, ये आप देख रहे हैं, इनका कवर हटा लिया है मैंने। इसमें हमें ज़रूरत होगी तो एक आयरन की ज़रूरत होगी। अगर आपके पास आयरन भी नहीं है, कोई बात नहीं है, तब भी आप फ्री में एलईडी बल्ब को रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। मैंने कुछ बल्ब पहले ही खोल के रख लिए हैं और कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे सपोज करो ये बल्ब है हमारा और इसको मैं होल्डर में लगा रहा हूँ। दोस्तों थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको, क्योंकि मुझे वीडियो भी बनानी पड़ रही है और देखिए दोस्तों ये इस प्रकार से जल रहा है, बिल्कुल धीमा धीमा, लाइट ना के बराबर दे रहा है। इसमें दोस्तों आपने करना ये है, इसमें एक एलईडी ख़राब है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो कोई भी ट्वीज़र या किसी भी तार के टुकड़े से, कोई भी तार का टुकड़ा हो, इस प्रकार से ये मैंने एक तार का टुकड़ा लिया है, इससे आप, या फिर ये चिमटी बोलते हैं जिसको हम, एक एक एलईडी को टच करके देखिए। इसमें जो एलईडी सही होगी वो आप टच करोगे तो बंद हो जाएगी, और जो ख़राब होगी उसको टच करते ही लाइट ग्लो करने लग जाएगी। जी दोस्तों ये देखिए, ये वाली हमारी एलईडी ख़राब है। देखा आपने, मैंने इसको टच किया और आपका एलईडी बल्ब सही हो गया। अब आपके पास ऑप्शन ये है, या तो इसको निकाल दीजिए और डायरेक्ट कर दीजिए, या इसको रिप्लेस कर दीजिए। रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास, हमें उपकरण चाहिए इसको निकालने के लिए और दूसरी लगाने के लिए। उससे बेटर होगा आप इसको निकाल दीजिए और इसको डायरेक्ट कर दीजिए। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इसको हटा करके आप दोनों पॉइंटों को सोल्डरिंग आयरन से एक कर दीजिए, मिला दीजिए, ठीक है जी। यही इसका आसान सॉल्यूशन है। और अब मैं आपको एक, जो मैंने पहले ही निकाल के उसको डायरेक्ट कर दिया है, देखिए ये वाला पॉइंट जो आपको दिख रहा होगा मेरी उंगली के पास में, मैंने एक एलईडी निकाल के
और शोल्डर वायर से इसको डायरेक्ट कर दिया है। ध्यान से देखिए, ये देखिए ये वाला पॉइंट, मैंने इसको एलईडी को निकाल दिया है और ये देखिए, और मैंने इसको सोल्डर कर दिया है। और अब इसको हम लगाएंगे और ये ग्लो करने लग जाएगी। ये देखिए, ठीक है, इस प्रकार से हम एक एलईडी तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इलेक्ट्रिक लाइन का एक्सपीरियंस काफ़ी पुराना है। अब मैं आगे से आपको वॉशिंग मशीन की, गैस गीज़र की, आरओ की, इन्वर्टर बैटरी की, सोलर पैनल की, एसी की, विंडो सिप्लेट, वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक, सभी प्रकार की और भी इलेक्ट्रिक आइटम है, उनकी वीडियो अब मैं अपलोड करता रहूँगा। तो आपको इस चीज़ की जानकारी हो जाए कि मैंने कब कौन सा वीडियो डाउनलोड किया है, तो उसके लिए आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, मैं हर प्रकार का काम करता हूँ, ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।